बिहार में बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार की नज़र अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ उत्तर प्रदेश पर है। दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब एनडीए में 22 दल थे, अब जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो एनडीए में है। हम 2022 का विधानसभा और आने वाले पंचायत चुनाव लड़ेंगे। संगठन को विस्तार देने की प्रक्रिया चल रही है। पहली कार्यकर्ता सभा की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। लोकसभा में भी हमारा कोई समझौता बीजेपी से नहीं था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर हम सरकार के साथ हैं, एनडीए की हिस्से। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अब तो एकमात्र पार्टी जेडीयू बची है जो एनडीए में है, तो ये कोई ज्यादा खराब नहीं होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, अभी हम लोगों ने अपने संगठन को मजबूत करने का तय किया। अभी हमारे सामने कोई इस तरह का प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की तरफ से नहीं है। फिलहाल हमने इतना वर्ग अपनी पार्टी का प्रस्ताव रखा है कि हम 2022 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते, यूपी में अभी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने धीरे धीरे कमर कसनी शुरू कर दी है। शिवसेना और आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी ताल ठोकने को तैयार है। न्यूज डेस्क।